वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ सूर्या। और आज जो है, आज हम बहुत देर बाद जो है एक फूड ब्लॉग शूट करने जा रहे हैं, और काफ़ी टाइम बाद फूड ब्लॉग। मैं बहुत देर से सोच रही थी, और प्रॉब्लम थोड़ा ये है कि नेट का भी इशू है, नेट नहीं चल रहा है जम्मू में, और व्यूज़ का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, व्यूज़ इतने लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो लोगों तक जो है वीडियो नहीं पहुँच पा रही है। तो आज फूड ब्लॉग के चलते आज हम आए हैं गांधीनगर और त्रिपुटा नगर वाली साइड, और एक दो हमारे ऐसे आउटलेट्स हैं जो कि काफ़ी पुराने हैं, पर उनका कह सकते हैं कि दूसरा आउटलेट खुला है। साथ में मेरे साथ जो है हर बार की तरह मेरे फूड ब्लॉगर्स मेरे हैं, तो मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। तो ये रहे मेरे साथ के जो ब्लॉगर्स हैं, सुब्बी और गौतम, और अभी हम निकलने लगे हैं आगे खाने के लिए, क्योंकि हमारा जो मेन है फूड का, तो बस निकलते हैं खाने के लिए खाने के लिए निकलते हैं, और हम आपको पूरे रिव्यूज देते हैं, प्राइजेस एंड प्लेस एंड सब कुछ। सो लेट्स गो। अभी हम आए हैं जो मार्बल मार्केट है, वहीं पे जो है एक बेकरी है। तो जम्मू में आपने देखा होगा कि किम लोग खाते हैं, और साथ में इतनी स्पाइसेस हैं, इतनी अलग अलग चीज़ें हैं, पर जम्मू में जो है बेकरी का भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो कि बहुत पुराने टाइम से बन रहा है। और इसमें अगर आप देखें तो जम्मू में जो कश्मीरी रोटी है, कचौड़ी है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो उसी के चलते आज हमें छोटी सी एक शॉप है, बेकरी हमें मिली, और हमने सोचा कि क्यों ना हम एक प्यारा सा शॉट ले लें। तो मैं और सुबी हैं यहाँ पे, तो हम अभी इस टाइम जो है जो भैया बना रहे हैं वो है तिलोड़ी। देखते हैं ये क्या है, इनसे पूछते हैं किसके साथ खाते हैं और ये बनता कैसे है। तो आइए, ये बनते किससे हैं? आटे का होता है, आटे की है ये, मैदा यूज नहीं होता है इसमें, आटे से बनाने यूज होता है इसमें। अच्छा, और लगा हुआ है इसलिए तलोरो कहते हैं इसको। अच्छा, तो ये खाते किसके साथ है? ये खाते हैं चाय के साथ। चाय के साथ, ठीक, के साथ भी खा सकते हैं। तो ये मतलब आपका डेली काम है, आप रोज क्या क्या बनाते हो इस टाइम? इस वक्त बनाते हैं अभी कचौरी बनेगा, कुलचा बनेगा, ये अभी कतलम जैसा कचौरी होती है। अच्छा, कचौरी जैसे होती है उसको बोलते हैं कतलम, दूसरा उससे बड़ा होता है उसको बोलते हैं बाकर खाने। और जो लवास है, लवास वो होता है सुबह। अच्छा, उसका क्या टाइम है लवास का? जो सुबह 6 बजे से 9 बजे तक होता है। अच्छा, एक्चुअली हम आए थे, मेन जो आए थे हम खाने आए थे लवास ट्राई कर, उसको बटर के साथ खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है चाय के साथ। और इस टाइम बिल्कुल ये फ्रेश बने हैं। ये रहे, कैसे रहा इस पे? दूध लगता है। अच्छा, दूध लगता है, दूध के साथ थोड़ा लाल हो जाता है। अरे वाह, अब देख सकते हैं कितना शाइनी टेक्सचर आ रहा है इस पे, और तिल लगे हुए हैं, तो देखते हैं, ट्राई करते हैं इसको, देखने में तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है, हल्का सा क्रंची है, क्रंची भी है क्योंकि अभी बना है, और एकदम ब्रेड की तरह है, बेसिकली ब्रेड ही है ये। दूध का बहुत प्रोमिनेंट टेस्ट आ रहा है, और आप देख सकते हैं तिल जो लगे हुए हैं, बहुत क्रिस्पीनेस आ रही है उससे, अच्छा टेस्ट है इसका, नाइस। तो आप देख सकते हैं जो नाम है तिलवरू का, वो तिलवरू का जो नाम आया है तिल से, जो कि उस पर स्प्रिंकल किया हुआ है, जैसा कि रमेश जी और उन्होंने भी जो ये बताया। और अभी तिलवरू ही बन रहे हैं बिल्कुल गरम गरम तंदूर से निकलते हुए। कतलम बन रहे हैं, और इसको आधा घंटा लग जाएगा, पर अब और इसको आप देख सकते हैं, उसके बाद इसको तंदूर में लगाएंगे। अभी जो है इस टाइम ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, हम आए हुए हैं मिनी मार्केट में। आप देख सकते हैं ये जो शॉप है, ये 1930 की शॉप है, जो कि कनक मंडी में है, पर इसका दूसरा आउटलेट जो है वो यहाँ मिनी मार्केट त्रिपुटा नगर में खुला है। तो आज हम ट्राई करने वाले हैं इनकी पूरी, जो कि बड़ी फेमस है,
हम कनक मंडी में जाएंगे, किसी दूसरे ब्लॉग में शूट करेंगे कनक मंडी का, पर अभी हम इसका रिव्यू करने आए हैं कि इधर चलते हैं और ट्राई करते हैं इनकी पूड़ी और छोले। अच्छा है, ये है थोड़े खट्टे खट्टे आलू साथ में, और ये छोले मुझे बहुत टेस्टी लगे, बहुत सॉफ्ट। इस टाइम जो है हम यहाँ पे पहली बार आए हैं और टेस्ट करने आए थे कि कैसा है, काफ़ी अच्छी पूड़ी है। ठंड के वजह से तो थोड़ा रहता है, पर ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे पिताजी ने शुरू की थी इस दुकान को, 100 साल हो गए हैं, तकरीबन 100 साल हो गए हैं, लेकिन हमारी पूड़ी, चने, समोसे, गुलाब जामुन ये बहुत मशहूर हैं। तो आइडिया ही है, हमारे पिताजी कहते थे कि 1930 के करीब करीब शुरू की है। हाँ, तो ये जो आपने दूसरा आउटलेट खोला है, इसको कितना टाइम हो गया? इसको हो गए 4 महीने, 4 महीने हो गए, त्रिकुटा नगर में हमने आउटलेट खोला। प्रेस क्लब के बिल्कुल पास जो आपने लोकेशन मैंने आपको दिखाई, ये है बग्गर वाले राजमा चावल। बग्गर जो है डोडा में जगह है, वहाँ भी इनकी एक ब्रांच है जो सबसे पहले थी, और अब इन्होंने जम्मू में खोला है। बहुत लोग आए होंगे यहाँ पे खाने, और हम यहाँ पे आए हैं रिव्यू करने, देखने की क्या ये वर्थ है खाना, या उसमें और इसमें मतलब कुछ तो फ़र्क होगा, या क्या टेस्टी। तो अब आप देख सकते हैं मेरे हाथ में घी है, और अब हम इसको डालते हैं ऊपर एकदम घी, और साथ में अनारदाना चटनी, साथ में मिर्ची, बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत देर से वेट कर रही है तो जल्दी मैं बहुत खुला घी डालूंगी, क्योंकि आई लव घी, आई लव बटर, मतलब तो मोटी होने की काफ़ी है ना। एंड मैं चिली भी खाऊंगी, चिली के साथ खाऊंगी। घी ऐसी चीज़ है कि आप किसी में भी ऐड करेंगे ना, तो उसका जो टेस्ट है वो इतना ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। वैसे ही जो है राजमा चावल ऐसे बहुत अच्छे हैं, पर घी डालने के बाद तो लेवल यहाँ से यहाँ हो गया। अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। चटनी तो हमने डाली ही नहीं, चटनी वाली मिस हो गई। ट्राई करते हैं। बहुत अच्छी है, अनार डालने की चटनी है, उसके जो टेस्ट इतना मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका। मैं घी टू गुड साथ में चली साथ में चली। भैया आपकी ये शॉप है जो डोडा में है बग्गर वाली, हाँ। तो जो वो शॉप है उसको कितना टाइम हो गया आपने मतलब चले हुए? वो हमने स्टार्ट की थी 1955 में। तो जो जम्मू वाली है, तो ये आपको कितना टाइम हुआ है? ये अब इसमें 1 ईयर होने वाला है, 23 जैन को हमने स्टार्ट की थी, अब 23 जैन को पूरा 1 ईयर होने वाला है। मतलब देख कर पूरा ऐसा लग रहा है कि आपकी शॉप पे बहुत ज़्यादा रश रहता है और बहुत लोग आते हैं खाने पसंद करने के लिए। एक्चुअली हमारा प्लान नहीं था जम्मू में खोलने का, वहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं खाते हैं, तो वो कहते हैं कि जम्मू में ऐसा टेस्ट नहीं है, ऐसे चीज़ मिलती नहीं है, तो आप एक काम कीजिए अपनी ब्रांच ओपन जम्मू में कर लीजिए। तो हमने ब्रांच ओपन की, स्टार्ट किया, और स्टार्टिंग से रिस्पॉन्स अच्छा मिलने लगा, और जो हमारे कस्टमर डोडा किश्ता भद्रवाह के जो जम्मू के लोकल हैं, जो मचेल जाते हैं, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है मेरी तरफ से। वो कहते हैं कि जो आप चीज़ सर्व कर रहे हैं एज सेम टू सेम, बस थोड़ा पानी का फ्लेवर से होता है, पानी का पानी और एटमॉस्फेयर का थोड़ा। ठीक ठीक। और आपका जोमेटो पर भी है ना कि जो लोग ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहें आपका?
हाँ ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, उस पर भी है, बट थोड़ा सा नेट बंद है तो थोड़ा अभी स्टार्ट हो जाएगा, तो आप अपने घर में भी डिलीवर कर सकते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो। अब जो नेक्स्ट व्लॉग्स होंगे वो हम जल्दी और आगे शूट करने वाले हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। फॉलो जम्मू वाले फूडीज, बिल्कुल आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, जम्मू वाले फूडीज और ट्रैवल एंड वर्क, ताकि आपको जो सारे ट्रैवल और फूड के अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहे। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू, बाय। वेलकम बैक टू माई चैनल। निकले हैं आज फटे मुँह मेरा मेरा मुँह बहुत बाहर आ रहा है। तो बहुत ज्यादा ठंडी है, तो अभी क्या बोलते पूरी बोलना ये जादू हो गया हमारे साथ एकदम। चेयर।